गाइज अभी क्या है कि रावतपुर क्रॉसिंग पहुंच चुका हूं, उसके बाद मुझे सीसामऊ बाज़ार जाना है जो कि पी रोड पे है। तो अभी जरीब चौकी के लिए बैठता हूं, कन्वेंस से जा रहा हूं मैं। तो अभी मैं रावतपुर का जो माहौल देख रहा हूं, वैसे काफ़ी भीड़ होती है यहां पर, लेकिन अभी जैसा माहौल है तो ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी ये कि खुला हुआ है और रेव मोती के मॉल के बाहर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन खैर देख रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको यहाँ का माहौल। गाइज़ अभी यहाँ उतर चुके हैं, पहुँच चुके हैं, लेकिन आगे मार्केट तक जाने तक मुझे थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं पैदल चल के, थोड़ा देखते हैं कि क्या माहौल है। ज़्यादा भीड़ तो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन ये है कि मुझे कुछ सामान खरीदना है तो मैं सामान तो लेना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं आपको मार्केट का क्या है नज़ारा। ये बाज़ार पी रोड में स्थित है। इस बाज़ार का नाम सीसामऊ है। ये काफ़ी पुरानी बाज़ारों में से एक है कानपुर की। यहाँ पर आपको छोटी से लेकर बड़ी तक सारी दुकानें मिल जाती हैं, जिसमें आपको हर तरह का सामान आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर रोज़ाना काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और काफ़ी प्रसिद्ध बाज़ारों में से एक है। तो भाई अभी आया तो था यार मैं कपड़े लेने, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर अल्टरनेट दुकानें खुल रही कपड़ों की, तो आज कपड़ों की दुकान नहीं खुली। तो खैर ब्लॉग तो बन जाएगा, आपको मार्केट का नज़ारा दिखाता हूँ मैं। गाइज पी रोड आया हूँ, तो मैंने सोचा था कि यार पी रोड आऊँगा यार तो गोलगप्पे खाऊँगा, लेकिन सीन कुछ ये है कि यार जैसा माहौल है उस वजह से गोलगप्पे खाने का मेरा ज़्यादा मन सही नहीं लग रहा मुझे थोड़ा खाना। तो मैं सोच रहा हूँ गोलगप्पे नहीं खाऊँगा क्योंकि माहौल सही नहीं है, लेकिन ये है कि मार्केट थोड़ा अब आया हूँ तो घूम तो लेता ही हूँ कि कैसा चल रहा है। ये है कि वैसे यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन आज जो है भीड़ उतनी नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं। यह है कि काफ़ी रौनक रहती है यहाँ पर, लेकिन यह है कि फिर भी भीड़ ठीक ठाक है। कि इस मार्केट में काफ़ी दुकानें लगती हैं, लेकिन आज जो है दुकानें बंद हैं क्योंकि अल्टरनेट दुकानें खुल रही, कुछ थोड़ी कभी खुलती एक दिन थोड़ी अगले दिन, जैसे कल और दुकानें खुलेंगी कपड़े वगैरह की,
लेकिन ये है कि मेरा आना तो यार बेकार गया, क्योंकि मुझे कपड़े लेने थे और कपड़ों की दुकानें हैं जो कि खुली नहीं है। तो लेकिन ये है कि फाइनली ब्लॉग बन गया है, काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बनाया, तो खैर ब्लॉग बन गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ तक चलता हूँ मैं पैदल। मेरे ख्याल से थोड़ी शांति है यहाँ पर, आज उतनी भीड़ नहीं है, सोचता हूँ कि पैदल चलता हूँ वहाँ तक और फिर वहाँ से टेम्पो को कुछ कन्वेंस मिल जाएगा मुझे, तो मैं वहाँ से निकल लूँगा रावतपुर क्रॉसिंग। ठीक, तो कुछ इस तरह का ये था, ये है ब्लॉग। तो भाई यार अगर कोई भी मेरे ब्लॉग पर पहली बार आया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। तो थैंक यू सो मच गाइज़।